सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे एक तो वो पात्र मिला कि जो मुखिया है उस धारावाहिक की, वो एकता कपूर है, जो नए अभिनेता हैं और जो ये रोल कर सकते हैं। न्यू एकता बजाज, एकता कपूर बजाज जी जी, अब नर्वस हो रहे हैं आप? ये कॉन्फिडेंट है, क्या नाम है तेरा? जो नया जो आने वाला है किरदार, जो निभा पाएगा आपके, क्योंकि जो प्यार आपको मिला है वो नहीं लगता नहीं कि वापस से जो आएगा जो उसे उतना ही मिल पाएगा, आपका क्या है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएगा? क्यों सर, आपको जो प्यार मिला और आपने जो रोल को आज तक वो एक बेंचमार्क सेट हो चुका है। देखिए मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि वो मुझे एक तो वो पात्र मिला और मिला तो फिर वो बन गया। देखिए कोई भी अभिनेता स्वयं अपने किरदार को नहीं बनाता, उसमें बहुत लोग होते हैं, लेखक होते हैं जो लिखते हैं, आपका पात्र लिखते हैं, आपका नाम भी तो लेखक के वहाँ से या कलम से आता है, तो फिर वो किस तरह से बोलेगा, क्या बोलेगा, ये सब लेखक देखता है। फिर हमारे निर्देशक होते हैं जो हमको गाइड करते हैं, फिर हमारे प्रोड्यूसर होते हैं जो पैसा डालते हैं, तो वो अलग बात है। वो 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9वां साल चल रहा है कसौटी ख़त्म हुए और 9 साल बाद एक नया अध्याय कसौटी का शुरू हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि एक बात कॉमन है तब में और अब में कि जो मुखिया है उस धारावाहिक की, वो एकता कपूर है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो तब कर पाई हैं तो इस बार भी कर पाएंगे। सर हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे कई एक्टर हैं जो नए अभिनेता हैं और जो ये रोल कर सकते हैं, तो उस समय भी बहुत लिस्ट में बहुत सारे नाम थे और इसलिए मैंने आदिल से कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये काम करने का अवसर मिला, तो अभी देखते हैं कौन आता है। जी है। जी मेरी को स्टार रह चुकी हैं, मेरी बहन समान है, तो हमेशा अपनी बहन के लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि, और जिस तरह से वो हैं और मैं ये बात जानता हूं उनकी कि वो बहुत मेहनत करती हैं फील्ड पे ऑन ग्राउंड, तो मेरी शुभेच्छाएं उनके साथ और अच्छे खासे मैं चाहूँगा बहुमत से उनका विजय हो।